भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारतीय कृषि एवं मजदूर संघ ने किसान मित्र और दीदी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करने और नियमितीकरण की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संघ के कर्मचारियों का कहना है कि दो गांव के बीच किसान मित्र एवं किसान दीदी नियुक्त किए गए हैं, जो कि किसानों तक सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी पहुंचाते हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने में लगे हैं, पर इनको मिलने वाला मानदेय ना के बराबर है, इसलिए इन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित कर मानदेय बढ़ाया जाए। क्या है कि ये किसान मित्रों और किसान दीदियों का एक संगठन है जिसमें ये काम करते हैं पंचायत में आत्मा परियोजना के अंतर्गत, और इनको शासन द्वारा 500 रुपया दिया जाता है, और इनसे पूरे किसानों की योजनाओं की सारी जानकारी किसानों को देते हैं। जब किसान को कोई कार्यक्रम होता है तो ये किसानों को लाते भी हैं और उनका पैसा भी किराया भाड़ा भी देते हैं, और इनको मात्र 500 रुपया दिया जाता है, वो भी साल में एक दो बार दिया जाता है और बाकी पूरा पैसा हजम हो जाता है।